दोस्तों सस्पेंस मूवीज के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो मैंने खास करके 3 से 4 तरीके के सस्पेंस मूवी के टाइप्स देखे हुए हैं। पहले तो इस तरीके के मूवीज़ होती है जहाँ पर हमें कुछ ना कुछ हिंट दी जाती है, कुछ क्ल्यूज़ दिए जाते हैं जो कि फिल्म के शुरू से ही दिए जाते हैं। बट एंड ऑफ द डे जो फिल्म की स्टोरी होती है वो जो फाइनल रिजल्ट जब आता है तब जाके हमें उन सारे हिंट्स का, सारे क्ल्यूज़ का हमें जवाब मिलता है फाइनली में। उसी के साथ अगर कुछ मूवीज़ कैसे होती है जहाँ पर कुछ भी शुरू से लेकर अंत तक कुछ क्ल्यूज़ नहीं दिए जाते हैं, बट फाइनल में जो सस्पेंस रिवील होता है वो कुछ अलग ही होता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि डायरेक्टर ने सोच लिया है कि भाई हमें फाइनल में एक अलग सस्पेंस रिवील कर देना है, बस उसका कुछ तर्क वितर्क लगता नहीं है स्टोरी के साथ में। उसी तरह से सस्पेंस मूवीज़ में एक और कैटेगरी जाती है जहाँ पर थोड़ी बहुत स्टोरीज इनिशियली शुरू में बता दी जाती है और इन बिटवीन में कुछ बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लाते हैं और एंड में जाके उस स्टोरी को मतलब फाइनलाइज करते हैं, जैसे कि समराइज करते हैं और एक अलग सा ट्विस्ट लेके सस्पेंस खोला जाता है। तो वाइफ ऑफ राम भी मुझे एक इसी तरीके की मूवी लगी जहाँ पर डायरेक्टर ने इस चीज़ पर ज़्यादा जोर नहीं दिया है कि फिल्म के बीच बीच में बहुत सारे हिंट दिए जाए या फिर स्टोरी का जो कनेक्शन है वो शुरू से लेकर अंत तक किया जाए, बट इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि किस तरीके से ऑडियंस ऑडियंस को जो है वो फिल्म में उलझाए रखना है। ऑडियंस हमेशा ही सोचती रहे कि एंड में जाकर आखिर पता तो है कि कौन किलर निकल या फिर विलन निकलने वाला है, बट किस तरीके से और किस रीज़न के लिए, ये जानने की जो उत्सुकता है वो ऑडियंस के बीच में बनाए रखने की एक अच्छी सी कोशिश डायरेक्टर ने इस मूवी में की है। अगर बात करूँ फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में तो फिल्म की स्टोरी लाइन मैं बहुत ज़्यादा मतलब एलोबरेट यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वैसे ही सस्पेंस मूवी है, थोड़ा बहुत अगर बता दे जाता हूँ तो आपका मे भी इंटरेस्ट उसमें से कम हो जाता है। बट स्टिल यहाँ पर एक कपल दिखाया गया है जहाँ पर जो लेडीज़ है या फिर हम कह सकते हैं लीड एक्ट्रेस है वो प्रेग्नेंट भी होती है और किसी दौरान से उनका एक जगह पर एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पर वो जो लेडी है उसका बच्चा भी जाता है बट और जो उसका जो हस्बैंड है वो भी मर जाता है। एंड वहाँ पर जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है वहाँ जाके हमें ये पता चलता है कि वो जो बंदा है उसका मर्डर हो चुका है। अब उसका मर्डर किसने किया है और क्या क्या इन सब मतलब चीज़ों के बीच में हुआ है, इसके पीछे के क्या रीजंस है, ये सब देखने वाली चीज़ इस मूवी में है। और मेन चीज़ ये है कि पुलिस यहाँ पर जो लेडीज़ है लीड एक्ट्रेस है उसको हेल्प नहीं करती है किसी को भी ढूंढ के निकालने में, तो जो एक्ट्रेस है वो खुद ही इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी ले लेती है और तय करती है कि मेरे जो हस्बैंड है उनके किलर को, उनके कातिल को मुझे पकड़ना है। बात करूँ इस मूवी की अच्छी चीज़ों के बारे में तो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ये मूवी जो है जो स्टार्ट से एंड तक आपको फिल्म में सस्पेंस में उलझाए रखती है और एंड में क्या होने जा रहा है इस चीज़ के बारे में आपका जो एक इंटरेस्ट है वो बना रहता है। उसी के साथ जो ऑनलाइन इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स है या फिर हम कह सकते हैं डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ इस चीज़ में, इस मूवी में दिखाया गया है। अगर से फेसबुक आप लेते हो, ट्विटर लेते हो, इंस्टाग्राम लेते हो, तो उन सब चीज़ों को जिस तरीके से प्रेजेंट इस मूवी में किया है, अगर अपनी जो एक्ट्रेस है किसी का इंस्टाग्राम चेक करती है तो जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है वो देखते टाइम मूवी में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर सेकंड चीज़ इस मूवी के बारे में कहना चाहूँ तो जो स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मूवी की लेंथ काफ़ी कम है और जो भी चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन किया गया है वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट किया गया है और मूवी में एक्स्ट्रा के सॉन्ग्स ऐड नहीं किए गए, बेवजह की कॉमेडी ऐड नहीं किए गए हैं, ओवर एक्स्ट्रा के इमोशनल सीन्स भी ऐड नहीं किए गए, जिसकी वजह से मूवी में इंटरेस्ट आपका बना रहता है, मूवी पॉइंट टू पॉइंट चलती है, फालतू में इधर उधर घूमती नहीं है। और अगर लीडिंग एक्ट्रेस है, जो एक्टर है, सभी की जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो एक्टिंग है, वो भी मूवी में आप लोगों को उनके साथ कनेक्ट करती है, मूवी में आपका इंटरेस्ट बनाए रखती है बिकॉज सभी के जो परफॉर्मेंस है वो नेचुरल। फाइनली में जाके मूवी एक अच्छा खासा मैसेज भी हमें दे जाती है जिसकी वजह से भी हमें कुछ ज़्यादा खासी निराशा नहीं होती है, हमें लगता है कि ठीक है यार अच्छी मूवी थी। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी अगर मूवी के शुरू से लेकर अंत तक कुछ क्ल्यूज़ देते हुए और एक अच्छा खासा सा शुरू में प्लेटफॉर्म अगर एक बेस अगर क्रिएट किया जाता था स्टोरी लाइन के लिए तो मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी। अगर हमें थोड़े से क्ल्यूज़ शुरू में मिल जाते थे और फाइनली जाकर हम अगर
ऐसा सोचते हैं कि अरे यार ये सब दिखाया गया था बट ये सब इन चीज़ों से कनेक्ट हो रहा था ये हमें पता नहीं चला। ऐसा कुछ अगर अच्छे से दिखा पाते थे तो मूवी और ज़्यादा बेहतरीन बन सकती थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा बोरियत तो आप इस मूवी में होगे नहीं, सस्पेंस भी एंड तक बना रहता है और वन टाइम वॉचेबल मूवी है, यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा आप। और आपसे फाइनली दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए और साइड में दिया बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों मुझसे जुड़े रहने के लिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद, वंदे मातरम।